ये काम एमएलए खनिज फातिमा नहीं किए है। लोगों को थर्ड पर्सन ढूंढने का जरूरत है। वो हिंदू भी नहीं बोलना, मुस्लिम बोल के भी नहीं बोलना। कई लोगों का पांव टूटे, हाथ टूटे, सभी इश्यूज हुआ था। अभी 3 महीने को 15 दिन कम है, उसके पहले ही ये काम हुआ सो है। और करप्शन का काम कर रहे, सिर्फ पैसा कमाने का, पैसा लुटाने लूटने का काम कर रहे। एमएलसी बीजी पाटिल, चंदू पाटिल घूमते डेली, उधर ही उनका ऑफिस है। इधर चंदू पाटिल भी कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं करेंगे, और मैडम भी कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। दोनों हिंदू मुस्लिम को भाई भाई बोल के काम करने वाला आदमी को ढूंढिए, उनको जिता के लाइए, उनको वोट कीजिए। This video present by Mannur Multi-Speciality Hospital, highly qualified and well-experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bare Hill Circle Ring Road, Gulbarga. गुलबर्गा गंज रोड एपीएमसी गेट के सामने ड्रेनेज ब्लॉक और रोड खराब होने की वजह से पिछले कई सालों से लोग बेहद परेशान थे। आम आदमी पार्टी लीडर्स की मेहनत से इस इशू को सॉल्व किया गया है। 3 महीने पहले तक इस रोड से गुजरने में लोगों को बेहद तकलीफ हो रही थी और कई लोग इस रोड से गिर गए हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन को कई कंप्लेंट्स देने के बावजूद इस इशू को सॉल्व नहीं किया गया था। इस इलाके के लोग जब आम आदमी पार्टी लीडर्स से शिकायत की तो आम आदमी पार्टी लीडर्स ने इस रोड का सर्वे कर एडमिनिस्ट्रेशन से इस इशू को सॉल्व करने का डिमांड कर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से नाराजगी जाहिर की थी। लगातार आम आदमी पार्टी लीडर्स की कोशिशों के बाद इस इशू को सॉल्व किया गया है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी यूथ लीडर शरण आईटी ने नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा और बीजेपी लीडर पर नाराजगी जाहिर कर तमाम तफसीलात बताई हैं। आज के दिन हम कलबुर्गी का नॉर्थ का हार्ट ऑफ द सिटी बोलते हैं, उधर है हम। कहाँ बोले तो एपीएमसी मेन गेट के पास है। इधर एपीएमसी मेन गेट के पास 3 महीने के पहले अगस्त एंड में बहुत बारिश आ रहा था। इधर आप देख रहे हैं ना, ये नाली, बड़ा नाली का काम 10 साल से रुके से थे। एपीएमसी और कॉरपोरेशन के बीच में मसला रुके से थे, 10 साल से काम नहीं हुआ। दोनों एंड पे नाली का काम रुके थे, पूरा पानी आके इधर सामने एंट्रेंस में पानी ठहर रहा था। इधर डेली हज़ारों लोग, 2-3 हज़ार मिनिमम गाड़ी घूमता सुबह से शाम तक। आप इधर बंडी वाले को, ऑटो वाले को पूछिए, इधर जाने वाले को इतना तकलीफ हो रहा था, इतना तकलीफ हो रहा था। गिर रहे थे, कई लोगों का पांव टूटे, हाथ टूटे, सभी इश्यूज हुआ था। ये इश्यूज होते हुए हम इसके ऊपर नज़र डाल के एक बड़ा इशू बनाए थे अगस्त लास्ट में, और कॉरपोरेशन कमिश्नर को भी मिले थे, डबली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कॉरपोरेशन एडब्ल्यू को भी बात करके प्रेशराइज किए थे, ये काम जरूर 3 महीने के अंदर होना बोल के। ये काम 75 डेज में हुआ सो है। अभी 3 महीने को 15 दिन कम है, उसके पहले ही ये काम हुआ सो है। उससे कितना लोग बोले तो कई हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ है। हम इतना ही बोलना चाहते हैं, ये काम एमएलए खनिज फातिमा नहीं किए है, ये काम आम आदमी, मैं एक आम आदमी और हमारा टीम आम आदमी सभी मिलके फॉलोअप करके इशू बना के बनाए सो है। मैडम एमएलए आप जीत के सिर्फ घर में सोने से, घर में बैठने से कुछ होता नहीं। नॉर्थ सिर्फ 2 किलोमीटर का रेडियस है। इधर दरगाह क्रॉस से उधर ब्रह्मपुर मैकानाबाद तक, इधर हुमनाबाद रिंग रोड कपनूर तक, उधर हागरा क्रॉस आगे और खरगे तक, उतना ही हमारा रेडियस चौक तक। इतना ही 2 किलोमीटर कवर करना नहीं हो रहा आपको। कहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ, पब्लिक कितना तकलीफ में है, क्या ज़रूरत है बोल के आप नहीं देख रहे। सिर्फ सियासत कर रहे और करप्शन का काम कर रहे, सिर्फ पैसा कमाने का, पैसा लुटाने लूटने का काम कर रहे। आपको फिक्र नहीं है पब्लिक आपको क्या भरोसे पे वोट डाले सो है, क्या काम करना है, पब्लिक का डिमांड क्या है और कितना तकलीफ में है बोल के। हाँ, सिर्फ आप पब्लिक का तकलीफ नहीं देख नहीं पाते बोले तो पब्लिक आपको कैसे वोट देंगे आगे वाले इलेक्शन में। सिर्फ आम आदमी का पावर इतना है, सिर्फ हमारे पास कुछ पावर नहीं है आज के दिन, फिर भी हम ये एपीएमसी एंट्रेंस गेट का काम किए। नगरेश्वर के पास बाजू एक बड़ा रोड है, वो ये रूरल पुलिस स्टेशन को जाता, उधर भी एमएलसी बीजी पाटिल चंदू पाटिल घूमते डेली, उधर ही उनका ऑफिस है। वो रोड का भी इश्यूज हम बना के अगस्त में ही किए थे, वो भी काम हुआ है। बोले तो इधर चंदू पाटिल भी कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं करेंगे, और मैडम भी कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। लोगों को थर्ड पर्सन ढूंढने का ज़रूरत है, वो नॉन कम्युनल चाहिए।
बोले तो वो हिंदू भी नहीं बोलना, मुस्लिम बोल के भी नहीं बोलना, वो मजहब जाति राजकीय छोड़ के दोनों हिंदू मुस्लिम को भाई भाई बोल के काम करने वाला आदमी को ढूंढिए, उनको जिता के लाइए, उनको वोट कीजिए, आपका काम होगा। नहीं तो क्या होगा, एक बार मुस्लिम जीत के आए तो मुस्लिम लोगों का काम होता बोल के लोग सोचते हैं, हिंदू जीत के आए तो हिंदू का काम होता बोल के कन्फ्यूजन में रहते लोग। वैसा मत सोचिए, ये डेवलपमेंट काम चाहिए पब्लिक के लिए, ना इसमें हिंदू ना मुस्लिम, सभी इक्वल है, दोनों का हक बनता है और दोनों का भलाई के लिए कौन भी MLA हों दो, कैंडिडेट कौन सा कम्युनिटी का भी हों दो, वो काम करना है, सिर्फ उस डेवलपमेंट काम करना है, लोगों का बीच में रहना है, लोगों का बीच में क्या तकलीफ है, ढूंढ के काम करना है, वो छोड़ के सिर्फ गुत्तेदार कौन सा बोलते काम कितना फ़ायदा रहता ना, वही लेटर देते मैडम को, वही पैसा 20% 30% किकबैक लेते, उनके ऊपर ही टेंडर करते, उनको ही दिलाते। ऐसा हुआ तो कैसा मैडम जी, सिर्फ 8-10 गुत्तेदार लोगों का घर चलाए तो कैसे, हाँ इधर 2,94,000 वोटर्स है, सबका घर चलना है, सबका प्रॉब्लम सुनना है, सबका काम करना है, ये काम आप करना है नहीं कर रहे, लोग आपको सबक सिखाएंगे, मैं इतना बोलना चाहता हूँ। काम हुआ तो हमको पसंद आया, अच्छा होगा, 3 महीने के अंदर हो गया, आप ये पूरे लोगों का ये है भाई, जो भी काम करे ऑटो वाले खुश हैं, ये जो भी रुकिया था आप लोगों का डिपार्टमेंट की मेहरबानी है, काम अच्छे से हो गया, आप लोगों का शुक्र गुजार हम लोग हैं। कितना साल से ऐसा पेंडिंग था ये काम एक साल 2-3 साल से के ऊपर ही पेंडिंग था, ये जो भी आप लोग करे अच्छा हो गया, आप लोगों का बड़ी मेहरबानी हो गई।